मेडिकल की आजकल इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि हर एक स्टूडेंट के लिए इसकी फीस अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया की अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी हम बात करें तो उनकी भी काफी ज्यादा फीस है। जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की फीस देखें तो 1,20,000 एवरेज फीस है। ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस ही है, इसके अलावा और सारी फीस होती है, जैसे हॉस्टल फीस हो गया, मेस का खर्चा हो गया। तो ये काफी सारा स्टूडेंट्स के लिए, इतना सारा हर एक स्टूडेंट के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए उनको एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि आपको एजुकेशन लोन कैसे लेना है और कब लेना है और कौन कौन से स्टूडेंट्स को लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको वो सारी जानकारी दे दी है जो आप काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं। फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है हर एक स्टेट का, उसके बारे में जानकारी दे दी है। आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस सभी कोर्सेज के बारे में बुक अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की सारी बुक अवेलेबल है। जैसे ही आप बुक डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे, आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं पेड की। अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन लोन हमें कब मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, एजुकेशन लोन कब मिलेगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन लोन कब मिलेगा। तो एजुकेशन लोन आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। आपको फर्स्ट ईयर की फीस अपने पास से पे करनी होगी, हालांकि ये फीस आपको बाद में मिल जाएगी। जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जो आपने कॉलेज में फीस डिपॉजिट की है वो फीस आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको पे करना है, क्योंकि ये प्रोसेस लोन का तभी होगा जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे और उस एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर है, इसके बाद में एक वो पूरा फीस स्ट्रक्चर लेते हैं कॉलेज से, कॉलेज इश्यू कर देता है फीस स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उस लोन के डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपॉजिट करने हैं, इसलिए आपका लोन होगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में। और उसके बाद फर्स्ट ईयर की फीस तो आपको बाद में मिल जाएगी, आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि ये फीस आपने कहां से अरेंजमेंट की है, वो फीस आपको वापस मिल जाएगी। बाकी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की फीस है वो बैंक डायरेक्ट कॉलेज को भेजेगा उसमें। तो ये तो हो गया पॉइंट कि एजुकेशन लोन कब मिलेगा। तो ये एजुकेशन लोन आपको एडमिशन होने के बाद में मिलेगा। अब हम बात करें आगे कि ये एजुकेशन लोन कितना मिलेगा, एजुकेशन लोन कितना मिलेगा। तो देखो, एजुकेशन लोन तीन टाइप का होता है, तीन प्रकार का एजुकेशन लोन होता है। एक तो होता है 4 लाख तक, एक तो होता है 4 लाख तक, यानी कि आप 4 लाख तक पूरा, आप जैसे कि 5.5 साल की पढ़ाई करेंगे, 4.5 साल की होती है, 1 साल तो इंटर्नशिप में पैसा स्टाइपेंड भी मिलता है, तो जो आप 4.5 साल की स्टडी करेंगे उस पूरी स्टडी में, और तो आपके पास में पैसा है लेकिन आप 4 लाख तक का ही लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन ले सकते हैं आप 4 लाख तक का। दूसरा लोन है 7.5 लाख तक का, 7.5 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। मान लो आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में हो गया, या फिर जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह, एमपी वगैरह जिनकी फीस ज्यादा है वहां हो गया, तो 7.5 लाख से आपका काम चल जाएगा, तो ये आप 7.5 लाख तक लोन ले सकते हैं। और थर्ड लोन है 7.5 लाख से ऊपर, जो आपकी जितनी फीस है उसका आपको लोन मिल जाएगा। कुछ कुछ बैंक 80% लोन देंगे उसका, कुछ बैंक 90% लोन देते हैं, 100% कोई बैंक नहीं देता है। और इसके साथ में जो ट्यूशन फीस के अलावा आपकी बुक्स का जो एक्सपेंडिचर है, मैथ्स का खर्चा है, इसके बाद हॉस्टल का है, तो वो भी आपको इसमें ट्यूशन फीस के साथ साथ वो भी मिलेगा।
वो आप डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मैथ्स का कितना है, वो सारा का सारा वो आपको मिलेगा। तो उसका बैंक के अकॉर्डिंग बैंक डिसाइड करेगा कि आपको 80% देना है या 90% देना है, वो बैंक पर डिपेंड करता है। तो ये तीन प्रकार के लोन, ये मतलब ये 7.5 लाख तक नहीं है, 7.5 लाख से ऊपर। तो ये तीन प्रकार के लोन आप बैंक से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो इन पर इंटरेस्ट लगने के लिए 4 लाख तक का आप लोन लेते हैं, 4 लाख तक का आप लोन लेते हैं, तो आपकी अगर फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो ये इंटरेस्ट फ्री है। और 7.5 लाख तक भी ऐसा ही है, आपकी अगर फैमिली इनकम, यानी फैमिली में तो सभी आ गए, फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तब भी ये इंटरेस्ट फ्री है। इसके बाद अगर आप 7.5 लाख से ऊपर लेते हैं तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। लेकिन मैं आपको कॉमन यहां बता देता हूं, 8 से 9% के बीच में बैंक के इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो कब करते हैं? 7.5 लाख से ऊपर, और जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख 4.5 लाख से ऊपर है उनके लिए ये इतना चार्ज करते हैं। तो ये भी बात होगी कि कितना मिलेगा और कितना इस पर इंटरेस्ट रेट होगा। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक तो आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हो गए, कॉलेज के इसमें आपके दो ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स लगेगा कि आपने एडमिशन लिया, उसका अलॉटमेंट लेटर लगेगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको एक कॉलेज से लिखवा के देना है कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है वो। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आपको देने होंगे, दो डॉक्यूमेंट्स तो देने होंगे कॉलेज से। अब जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो कॉलेज में डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको उनकी फोटोकॉपी सबमिट करनी है। अब इसमें बैंक आपसे और भी इसके डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, जैसे बिजली का बिल हो गया, आधार कार्ड वगैरह तो लेना ही है, फोटो वगैरह लेनी है, पेरेंट्स के भी फोटो आधार कार्ड लेंगे। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होते हैं वो बैंक इसमें आपसे ले सकता है। अब इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इन तीनों लोन्स के लिए। तो जो 4 लाख तक का आप लोन ले रहे हैं, जो 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं, इसमें आपको कोई किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पेरेंट्स साइन कर सकते हैं कि ये लोन हम ले रहे हैं, बाकी इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है इस 4 लाख तक के लोन के लिए। अब जो 7.5 लाख तक का लोन है, 7.5 लाख तक का लोन है, तो इसमें आपके पेरेंट्स को गारंटी देनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स इसमें डिपॉजिट होंगे कि एक तो वो उनका इनकम सोर्स क्या है वो यहां डिपॉजिट करना होगा, कितनी सैलरी ले रहे हैं, और वो गारंटी देंगे कि अगर ये लोन ये नहीं पे करवा पा रहा है तो इसका लोन हम पे करेंगे। ऐसी एक गारंटी पेरेंट्स को देनी पड़ेगी अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो, यानी कि पेरेंट्स आपकी गारंटी देगा, पेरेंट्स गारंटर बनेंगे आपके। अब अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो पेरेंट्स गारंटी तो देंगे ही देंगे, उसके साथ में आपको बैंक में कुछ मॉर्गेज रखना होगा, कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, मकान आप रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, मकान रख सकते हैं, या फिर आपके पास में फ्लैट है। तो इस प्रकार से आपके पास में कोई संपत्ति है उसको आप गिरवी रखना है बैंक के पास, अगर आप 7.5 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं तो। इसमें एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो इसमें मान्य नहीं होती है। तो इस प्रकार बैंक में आप मॉर्गेज रख सकते हैं, प्लॉट वगैरह मकान वगैरह की रजिस्ट्री, तो इस प्रकार से आप ये मॉर्गेज रखे सामान लोन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कितने तक लेना है, इंटरेस्ट कितना लगेगा इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपको पे कब करना है, तो पे करने के लिए आपका कोर्स एंड होने तक, यानी कि आपका 5.5 साल का कोर्स है, ये एंड होने के बाद आपको ये लोन डिपॉजिट करना है, उसके बाद ही आपको लोन डिपॉजिट करना है। इसके बाद
एक साल का आपको और छूट मिलेगी, वन ईयर की और छूट मिलती है। मान लो आपका कहीं जॉब नहीं लगा, आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिसके कारण ये लोन आप पे नहीं कर पा रहे, तो आपको एक साल की छूट मिलती है। कोई कोई बैंक छह महीने की देता है, लेकिन कोई कोई बैंक एक साल की छूट देगा आपको। तो आप साढ़े छह साल बाद बैंक को पे करेंगे, साढ़े छह साल बाद आप बैंक को पे करेंगे। तो साढ़े छह साल बाद में आप बैंक को ये जो आपका लोन अमाउंट है ये पे करना शुरू कर देंगे और बैंक आपकी किस्त इसमें बना देंगे, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आप इसमें पे करते रहेंगे। आपका अगर जॉब लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके मदर फादर अपनी सैलरी से या कहीं भी किसी भी इनकम सोर्स से इसको पे कर सकते हैं लोन को साढ़े छह साल तक। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या साढ़े छह साल बाद ही सब कुछ पे करना है या फिर हमें इंटरेस्ट पहले भी पे कर सकते हैं, तो ये आपकी सुविधा पर है। अगर आप ये इंटरेस्ट पहले पेड करना चाहें तो हर महीने पेड कर सकते हैं और जो आपका मूल अमाउंट है उसको आप बाद में पे कर सकते हैं, उसकी किस्त बनवा सकते हैं। अगर आप दोनों ही बाद में पे करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, वो भी ऑप्शन बैंक दे देगा, लेकिन वो अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप साथ साथ ही इसको अगर पेड करते रहे, इसकी जो इंस्टॉलमेंट आती है, इंटरेस्ट आता है, सॉरी इंटरेस्ट को ही आप साथ साथ पे करते रहे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब इसमें जो ये साढ़े चार लाख सॉरी साढ़े सात लाख से ऊपर जिनकी फैमिली इनकम साढ़े चार लाख से कम है उनको ये लोन में छूट कैसे मिलेगी, तो देखो इनको मंथली तो डिपोजिट करना ही होगा, उसके बाद में साल के अंत में एक बार बैंक के पास में एक सब्सिडी के लिए नोटिफिकेशन आता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो बैंक के पास आता है, तो बैंक उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आगे भेजता है, तो जो आपकी एक साल जो आपने पे किया है पैसा वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी। किस कंडीशन में, अगर आपके फैमिली इनकम साढ़े चार लाख से कम है और आप ये दो प्रकार का लोन ले रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको इस लोन में सब्सिडी मिल जाएगी साल के अंत में, ये हर साल आपको सब्सिडी मिलती रहेगी। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। अब हम बात करेंगे कि इस लोन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ही ये लोन सैंक्शन होगा, तो आपको पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और कॉलेज से फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है तो उसके बाद आप बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर से बात करें। ये बात आप पहले भी कर सकते हैं, कोर्स स्टार्ट होने से पहले भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं बैंक से जाके कि क्या आप हमें लोन दे देंगे क्या, क्योंकि कुछ कुछ बैंक्स के कुछ कुछ नियम अलग होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई करने के लिए आप जो भी एजुकेशन लोन होता है वो एक ही जगह अप्लाई होता है, चाहे आप किसी भी बैंक से ले रहे हो, आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको इंटरनेट पर विजिट करना होगा और यहाँ पर आपको विद्यालक्ष्मी.co.in की आप वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उसमें रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद में अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन पर क्लिक करके उसमें कौन सा आपको लोन लेना है, जो मैंने तीन प्रकार के लोन बताए उसमें आपको कौन सा लोन लेना है वो सिलेक्ट करके आप आगे की स्टेप पूरी करती जाएंगे और उसके बाद में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, सिग्नेचर है और जो आपका अलॉटमेंट लेटर है कॉलेज का वो अपलोड करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें सबमिट करते समय मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको एक बैंक का नाम देना पड़ेगा कि आप कौन से बैंक से कौन सी ब्रांच से ये लोन लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन मिलेंगे आपको, पर्टिकुलर बैंक्स मिलेंगे, उस बैंक में जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जिस ब्रांच से लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट होगा उस प्रिंट आउट को लेकर के आप उस कंसर्न्ड ब्रांच में जाएंगे। वैसे आपके पास ब्रांच से भी अगर कॉल आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बाय द वे कॉल नहीं आता है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में जाके आपको सबमिट करना है, बैंक अपना प्रोसेस करके आपको लोन दे देगा। ये लोन
तकरीबन 7 या 10 दिन के अंदर अंदर पास हो जाता है। ये बैंक की ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बैंक की ब्रांच रूरल में है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, अगर सिटी में है अर्बन एरिया में है तो तुरंत ही ये लोन हो जाता है एक दो दिन के अंदर अंदर। ये सारा सब कुछ प्रोसेस बैंक मैनेजर पर भी काफी डिपेंड करता है, बैंक पर भी काफी डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर कितना फेथ कर रहा है, आप उसको कितना कन्विंस कर पा रहे हैं, ये उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। तो आप अपने बैंक से पहले भी मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, मेरे को कितना लोन मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उससे पहले भी कर सकते हैं और एडमिशन लेने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी एजुकेशन लोन के बारे में, इस प्रकार की नई जानकारी आपके लिए फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।